हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यूपी के हमीरपुर में एक तंबाकू कारोबारी के बेड ने भी करोड़ रुपए उगले हैं। तंबाकू सुपारी की फर्म ओजस एंटरप्राइजेस के मालिक गुप्ता बंधुओं जगत बाबू और प्रदीप गुप्ता के बेडरूम से 6.31 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। सेंट्रल जीएसटी के छापों में यह नकदी बरामद हुई है। दोनों भाइयों ने 2000 रुपए के नोटों से गद्दे बनवा रखे थे। हमीरपुर और कानपुर में 5 ठिकानों में पिछले 24 घंटों से छापे चल रहे थे। काली कमाई का लिंक कानपुर से जोड़ा पाया गया है। सीजीएसटी कानपुर की यह प्रदेश की सबसे बड़ी कैश रिकवरी है। टीम ने दोनों भाइयों के कमरों में रखे डबल बेड से 6,31,11,800 रुपए बरामद किए। इनमें 2000 के नोटों की गड्डियां दोनों भाइयों ने अपने बिस्तर में बिछा रखी थी। इनकी गिनती के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नोट गिनने वाली 3 मशीनें मंगानी पड़ी। सीजीएसटी कमिश्नर सोमेश तिवारी के मुताबिक दोनों कारोबारियों ने कबूल किया है कि यह रकम बिना दस्तावेजों के माल बेचकर जमा की गई है। उनके कारखानों से बिना दस्तावेजों के 1520 किलो सुपारी, 6 बोरा तंबाकू, 95 किलो पैकिंग रोल, 13,700 पाउच सुपारी और 38,000 पाउच तंबाकू जब्त की गई। इससे लगभग 80 लाख रुपए तक का घोषित माल तैयार होना था। पूरा कच्चा माल नयागंज स्थित कारोबारियों से खरीदा जाता था और बिक्री कैश में हमीरपुर सहित आसपास के इलाकों में की जाती थी। छापों में लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। गुप्ता बंधुओं में जगत बाबू और प्रदीप गुप्ता दोनों सगे भाई हैं। फर्म ओजस इंटरप्राइजेस के संचालक जगत बाबू गुप्ता हैं, जिसमें सुपारी का व्यापार होता है। दूसरी फर्म श्री इंटरप्राइजेस के संचालक प्रदीप गुप्ता सुगंधित तंबाकू का उत्पादन करते हैं। दयाल ब्रांड नाम से उनके उत्पाद ग्रामीण बेल्ट में बिकते हैं। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।